चौका चूल्हा में आज हम बनाने जा रहे हैं फटाफट टेस्टी रोल्स। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, बेसन जिसका हमने थिक पेस्ट बनाकर रख लिया है, टमाटर की प्यूरी, ये फाइनली चॉप्ड कैबेज यानी पत्ता गोभी है, ये फाइनली चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस हैं, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स है यानी धनिया की पत्ती, ये ग्रेटेड फूल गोभी है और ये है अदरक का पेस्ट, ये ग्रेटेड गाजर है अच्छी तरह से कद्दूकस की हुई और ये नूडल्स हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये अजवाइन और ये नमक स्वादानुसार। इसके अलावा लेंगे ये ऑयल। तो चलिए अब आटा गूंथना शुरू करते हैं। आटा गूंथने से पहले इसमें 2 चम्मच ये हमने ऑयल मिलाया और थोड़ा सा नमक। और अब आटा गूंथना शुरू करते हैं। आटा गूंथकर तैयार है, ये सॉफ्ट है लेकिन फिर भी थोड़ा कड़ा है। अब हम ये सारी सामग्रियां एक बोल में मिलाएंगे। ये बेसन, और देखिए इस बीच ये कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया है ताकि पानी गर्म होता रहे, और क्योंकि हमारे रोल्स जो है वो इसी में स्टीम्ड होंगे। और ये हम सब सामग्री मिला रहे हैं, गाजर डाल दी है, ये हमने डाली गोभी, ये पत्ता गोभी, ये नूडल्स डाल दिए हैं और इनको साथ ही साथ मिलाते जा रहे हैं। अब हमें डालने हैं स्प्रिंग अनियन और ये है हमारी टमाटर की प्यूरी। और ये है अदरक का पेस्ट, ये अपने स्वाद के अनुसार ही डालें क्योंकि अदरक का पेस्ट जो है वो एक तीखापन पैदा करता है और कई बार तीखा बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो अपने स्वाद के ही अनुसार मिलाएं इसको। अब इन सभी चीजों को हम ऐसे मिलाते हुए इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, अजवाइन और नमक एक बार फिर स्वादानुसार। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब रोल बनाने का काम शुरू। सबसे पहले हमने ये लोई निकाली है, देखिए इतनी बड़ी लोई है, इसको गोल करके हमने ये लोई बना ली और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आटा लगाकर, सूखा आटा लगाकर इसको ऐसे गोल बेल लेंगे, बहुत बड़े नहीं बेलेंगे, थोड़ा छोटा ही रहे तो अच्छा रहता है पकने में भी, और फिर जब आप सर्व करते हैं ना तो जो उसके टुकड़े बनते हैं उनका भी जो एक रूप निकल के आता है उसकी बात ही दूसरी है। अच्छा हाँ, अब ये रोल लगाने से पहले हम ये एक प्लेट को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से हमने इसको ऐसे ग्रीस कर लिया है ताकि चिपके ना। ये ऑयल से ग्रीस हो गया है और अब हमारा फाइनल काम शुरू होता है, यानी कि अब हम इस पेस्ट को स्प्रेड करेंगे इस रोटी पर जो हमने बेला है और ऐसे धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएंगे किनारों को छोड़ते हुए, क्योंकि किनारों से निकलने का खतरा रहता है। और ये स्प्रेड हो गया है, अब हम इसको रोल करेंगे ऐसे धीरे से।
ये हमने इसको रोल किया और ये हमारा रोल बन गया। अब इसे धीरे से उठाकर हमने ये जो ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट है उसमें रख दिए। ये रोल्स हमने बना लिए हैं और इस बीच देखिए जो कढ़ाई में पानी था ये भी अब गर्म हो चुका है, तो हम इस प्लेट को धीरे से इसमें रख देंगे। अच्छा, अगर आपके पास अवन है या राइस कुकर है तो उसमें आप इसे भाप देकर भी पका सकते हैं। अब हमने इसमें ये ढक्कन लगाया और आंच को थोड़ा सा बढ़ाया और अब थोड़ा सा इंतजार। दरअसल ये जो फटाफट टेस्टी रोल्स हैं ये बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे और उनके टिफिन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि बच्चों से अक्सर ये शिकायत होती है कि वो अपना टिफिन छोड़ आते हैं। आप बनाकर उनको खिलाइए। देखिए सब्जी तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी उनकी बॉडी में, उसके साथ ही साथ ये जो टिफिन छोड़ने की आदत है ये हमेशा के लिए छूट जाएगी। अब समय आ गया है, करीब 5 से 7 मिनट हमने इंतजार किया है और अब हम ये देखेंगे कि हमारे रोल्स, वाओ, एक बार बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए बेसन अंदर का पक चुका है, जो अंदर हमने पेस्ट डाला था वो भी पक चुका है। तो बस अब गैस बंद करेंगे और अपने इन रोल्स को निकालेंगे। ये हमने रोल्स बाहर निकाल लिए। अब इन रोल्स को हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये कट हो रहा है और देखिए ना अंदर का जो स्टफिंग थी हमारी वो बिल्कुल पक चुकी है। ठंडा होने पर ये बिल्कुल अच्छे से कट जाता है और ये कटते जा रहे हैं और इन्हें हमने इस तरह से काट लिया। तो ये हमने अपने रोल्स कट कर लिए हैं। देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी तरीके से इसमें सेट हो गई है। अब कढ़ाई में ऑयल हमने डाल के थोड़ा सा गरम किया है और अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा जो है वो छौंकने के काम में बहुत आता है और इसका एक अलग से टेस्ट भी होता है। जीरे का कलर जैसा ही बदलेगा वैसा ही हम इसमें फौरन डाल देंगे। ब्राउन हो गया है जीरा तो अब हम इसमें डालेंगे अपने ये रोल्स। टेस्टी रोल अब बिल्कुल प्लेट तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या तो खुशबू आ रही है, वाह 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 वाह। इनको बस थोड़ा सा इस तरह से कढ़ाई में चला लेंगे। और अब ये प्लेट में निकालते हैं हम। ये आ गए प्लेट में हमारे रोल्स। देखिए फटाफट टेस्टी रोल्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। बच्चों के टिफिन के लिए तो ये बेस्ट चीज है और हाँ ये एक इतना स्टफिंग, ब्रेकफास्ट कह लीजिए या ब्रंच कह लीजिए, आप खाएंगे और आपको शरीर में आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाएंगे, साथ ही साथ ये आपको वो सभी चीजें दे देगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट कभी कभी ऐसा होता है ना कि देर हो जाती है छुट्टी वाले दिन, ऐसे में ब्रंच के रूप में इसे खाइए या कि ब्रेकफास्ट के रूप में और बच्चों को तो टिफिन में दीजिए।
और इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। चौका चूल्हा में आज हमने फटाफट टेस्टी रोल्स बनाए। अगली बार ऐसी ही किसी हेल्दी और टेस्टी डिश के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।